हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा दसवीं का विषय संस्कृत का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ, जो आपको 14 मार्च को पेपर होने वाला है। जो सेट बी है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आप लोग बच्चों, सेट ए मैंने कंप्लीट करा दिया था, सेट बी है। तो इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार का सेट आ जाए, आपको पूरी तरह से इसको हल कर देना है। तो ये वीडियो मुश्किल से 7 से 8 मिनट का बनेगा। 7 से 8 मिनट के वीडियो में आप लोग अच्छी तरह से पेपर को हल कर लेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से रहेगा। सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर बात करते हैं, तो सर्वप्रथम यहाँ पर आपके विकल्प रहेंगे, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो 6 नंबर में आने वाले हैं। तो इनमें से आप लोगों को सर्वप्रथम लिखा है, रमेण इति रूप कतस्य विभक्ति भक्ति। तो यानी कि इसमें पूछा गया है, रमेण इति रूपम कतस्य विभक्ति, यानी रमेण है ना, तो कौन सी विभक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला जिसमें आप लोग लिखोगे तृतीय विभक्ति है, यानी तृतीया। चलिए अगला लिखा है यहाँ पर लिखा था रामायण, ठीक है, नहीं रामायण लिखो तो ठीक। तो रामस्य पदस्थ द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, यानी कि राम की द्वितीय विभक्ति क्या होगी। तो द्वितीय विभक्ति होगी बच्चों आपके सामने, चौथा वाला हो जाएगा राजनम, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। चलिए अगला आपके सामने गा नंबर, जिसमें लिखा रमा इति शब्दस्य बहुवचन रूपम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, जिसमें आप लोग रामायण। घा नंबर लगा फलम शब्दस्य चतुर्थ विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा फलाय, ठीक। डा नंबर लगा पर्यावरण सदस्य प्रकृति आराधना, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ए। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने 4 नंबर, जिसमें लिखा है आदो लिखे तो उसको अभ्यस्त नास्ती, मतलब इसमें से नास्ती मतलब कि नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा परा। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प 6 नंबर के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक बच्चों। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। आप लोग सामने दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें लिखा है शुद्ध वाक्य समक्ष आम, अशुद्ध वाक्य समक्ष ना इति लिखत। तो यानी कि जो आपके सामने शुद्ध वाक्य उनके सामने आम लिखना है, जो अशुद्ध वाक्य उनके सामने ना लिखना है, यानी कि सत असत करना है, जो 6 नंबर में आने वाले हैं। चाहे पहला लिखा आपका अयाचित इतमस पदे जादू अस्थि, यानी कि सत्य हो जाएगा। दूसरा लिखा लब्ध इतमस पदे उत्तम उत्तर पुरुष अस्थि, तो यह सत्य हो जाएगा। गा नंबर होगा गच्छमी इतमस पदे एक वचन अस्थि, ये सत्य हो जाएगा। घाघड़ी का लिखा है भविष्य इति पदे लटकार अस्थि, ये सत्य हो जाएगा। प्राचाति पदे प्रा उपसर्ग अस्थि, तो ये सत्य हो जाएगा। 4 नंबर संकलम इति पदे समय उपज अस्थि, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने सत्य असत्य हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वो। तो नेक्स्ट वो बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक खुशखबरी दे दूँ, कक्षा दसवीं वाले बच्चे आप लोग दसवीं वाले हो ना, हाँ, तो कक्षा दसवीं वाले बच्चे हमसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुके हैं, क्योंकि उनके जो पेपर पिछले पेपर हुए हैं, जैसे हिंदी का हुआ था, तो मैंने इसी प्रकार से अच्छे से समझाया था, बताया था, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है, काफ़ी अच्छे नंबर भी आए हैं। तो क्योंकि मैंने चेक किया था, लोगों का पेपर मिलाया था, क्योंकि उत्तर पेपर हो जाता तो मैं उन्हें उत्तर बताता हूँ कि इसमें कोई था इसमें था, तो उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं, वे लोग कमेंट कर रहे थे। तो इसी प्रकार से अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके अभी काफ़ी ज़्यादा पेपर हैं होने वाले हैं, अभी 2-3 पेपर हुए हैं, 3 पेपर और होने वाले हैं, तो उनके लिए अच्छी तरह से आपको मोस्टिंग मिलती रहेगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं युग मिलन, यानी कि आप लोगों के सामने यहाँ पर सही जोड़ दिए गए हैं, तो यानी कि आंसर आप लोग सामने जस्ट लिखे गए हैं, तो आप लोग उनको भी आप लोग वीडियो को रोक कर इस तरह से पढ़ लोगे। जस्ट मैंने आंसर इसके ये आमने सामने लिख दिए, लेकिन वहाँ पेपर में इसको उल्टी ऊपर नीचे कर दिए जाएंगे, तो आपको थोड़ा यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। चलें बढ़ते नेक्स्ट वन बच्चों। नेक्स्ट आप लोग सामने एक पद में उत्तर, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो ये सभी एक पद में उत्तर हैं, यानी कि इन एक वाक्य में आंसर भी बोल सकते हैं हम उनको, तो इन सभी का आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि पहला लिखा आप लोग सामने हर्ष तुम इतस पदे प्रत्यस्थि, तो इसमें आपको क्या लिख देना, तुम्हारा लिख देना है, ठीक। दूसरा लिखा गतमान अत्य कर प्रत्यस्थि, तो इसमें आपको दूसरा लोगों आप लोग कित्यवतु लिखोगे, क्या लिखोगे, कित्यवतु, ठीक बच्चों। तीसरा गा नंबर अजा इति पद का प्रत्यस्थि, तो इसमें गा का हो जाएगा टाप, गा नंबर पर आपको टाप लिख देना है, ठीक। हाँ, फिर घाघड़ी का लगा कैसा सम्मतु पाप पितरु चाह एक पद, तो घाघड़ी का है महताम, क्या लोगे, महताप, ठीक, महताप, ठीक। घाट के वाला डर लिया गया, जिसमें लिखा है काक चेष्ट विद्यार्थी के 10 छात्र मान्य थे, तो आप लोगों के आदर्श से, क्या लोगे, आदर्श से, ठीक। 4 नंबर भी लगा है अति केंद्र प्रदत्त, तो इसमें लोगों आप लोग पाद ध्वनिना, ठीक, क्या लोगे, पाद ध्वनिना, ठीक बच्चों। इस भी घाट बढ़ते हम लोग नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, तो बच्चों चलिए हम लोग आंसर आंसर बता दें, ताकि किसी भी प्रॉब्लम हो। जैसे पहला रखा है महान रिपु इतवस्त पदो विशेषण अस्थि, तो इसमें आप लोग सामने यहाँ पर पहला वाला ये हो जाएगा महान में। दूसरा लगा है तुल्य वस्त जननी इतवस्त पदो विशेषण अस्थि, इसमें दूसरा वाला ये हो जाएगा। तीसरा लगा गगम लगा सलल इतवस्त पद अस्थि, तीसरे में लोगों का आप लोग जलम, ठीक। घाघड़ी वाला कुल्ली कुटिलम इतवस्त पद अस्थि, तो आप लोग घाघड़ी का आंसर लिख दोगे आप लोग, इसमें हो जाएगा आप लोग चौथा वाला बक्रम। 5वां वाला लगा निर्मलम इति विलोम अस्थि, यानी कि निर्मल का विलोम क्या होगा, तो आप लोग सामने सम्मलन हो जाएगा, 5वां वाला ही हो जाएगा।
छना प्रथम इतने पद प्रथम का हो जाए द्वितीय, यानी इस विलोम माना होता उल्टा, तो आप लोग इसको उलिम उल्टे कह सकते हो। तो बच्चों आप लोग सामने आपके पेपर में विलोम आना है, एक पर्यायवाची आना है, ठीक, और साथ ही प्रत्ययोपसर्ग भी आना है, तो इन्हीं से रिलेटेड आपके सामने रिक्त स्थान पूछे गए जो मैंने आपको बता दिए। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे बेस्ट में प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट को, तो नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक छठवां, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर दो नंबर पूछा गया है, तो ये दो नंबर के पूरे मोस्ट हैं, इन सभी का आंसर मैं लास्ट में देने वाला हूँ। तो पहले आप लोगों को प्रश्न देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो प्रश्न नंबर सातवां ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सभी को देख लीजिए धीरे धीरे करके बच्चों, ठीक। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न नंबर दसवां है, प्रश्न नंबर बारहवां, तेरहवें प्रश्न है बच्चों आप लोग सामने यहाँ पर सुभाषतानी के दो श्लोक पूछे गए हैं, तो बच्चों इस श्लोक जरूर सीख के जाना क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ ही बच्चों आप लोग सामने फिर यहाँ पर रिक्त स्थान फिर पूछे जाएंगे, जिनके मैंने आप लोग सामने यहाँ पर पहला इस पहले भर देगी आंसर, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पाँचवा ये, छठवा ये, तो इस प्रकार से आप लोग भर देना है, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक बच्चों। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक सोलहवां जो आप लोग देख सकते हो, तो उनको हम लोग शुद्ध क्रम में जमाना है, ठीक, इस प्रकार से आप लोग उनको जमा सकते हो, सोलहवां हो जाएगा, सत्रहवां, ठीक। इसी प्रकार से बच्चों आप लोग पूरा कंप्लीट देखना, थोड़ा बहुत धुंधला देख सकता है क्योंकि क्योंकि पेपर की मैंने फोटो निकाली है बच्चों, बस आप लोग इस प्रकार से पूरा कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने आएगा इसी प्रकार से बच्चों। और बच्चों अगर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन की यानी आवेदन पत्र की, तो आपके सामने अवकाश हेतु एक आवेदन पत्र सीख के जाना, शुल्क मुक्ति पर भी सीख के जाना, बुक बैंक पर भी सीख के जाना, ठीक, इस प्रकार से मतलब इंग्लिश में बोल दिया है थोड़ा, लेकिन संस्कृत में सीख के जाना, इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में आप लोगों को ये निबंध भी सीख के जाना है। तो डेफिनेटली आप लोगों के सामने पूरा पेपर सम्प्लूट होता है। साथ ही अगर आप लोग इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके आंसर लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में ट्रेनिंग ग्रुप की लिंक दी गई है, तो उससे भी डाउनलोड कर सकते हो, या आप लोगों के सामने एक वीडियो दी गई है, तो उसके जरिए भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी की लगातार डिमांड आती रहती है कि सर जो क्वेश्चन पेपर आपने बताया है इसका पीडीएफ और जो सॉल्यूशन आप बता रहे हैं इसका पीडीएफ, दोनों पीडीएफ हमें प्रोवाइड करा दीजिए। बट पूरे यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपको ये पीडीएफ नहीं देता है, बट स्टडी नोट्स पीजे यूट्यूब चैनल आपको ये सुविधा दे रहा है, जी हाँ, और इसको हमने बहुत ही आसान बना दिया है आप सभी के लिए। बस आपको क्या करना है, देखिए अगर आप यहाँ पे इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन कर लेना होगा। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको गूगल में आकर के स्टेप यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक स्टडी नोट्स पीजे सर्च करना होगा, ठीक है, जो चैनल का नाम है वो आप सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको पहली जो वेबसाइट दिखेगी studynotespj.com, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे नीचे आकर के दिखेगा आपको एमपी बोर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड हैं, आपको बस अपना एमपी बोर्ड सर्च कर लेना है, ठीक है। एमपी बोर्ड जैसे ही ऊपर दिखेगा आपको इस पे आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको एक बार फिर से नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद देखेगा यहाँ पे देखिए आप कक्षा दसवीं दिया गया है और कक्षा बारहवीं दिया गया है। अब जैसे आप दसवीं में हैं तो दसवीं का इस साइड दिया गया है और बारहवीं में हैं तो बारहवीं का इस साइड दिया गया है। अब देखिए हमें कक्षा दसवीं का जैसे अभी अपना जो पेपर है वो फिलहाल मैं कोई सा भी अपन डाउनलोड करके देख लेते हैं। जैसे हमें कक्षा दसवीं यहाँ पे संस्कृत का सेट ए का पेपर डाउनलोड करना है, ठीक है, कक्षा दसवीं संस्कृत सेट ए, सेम प्रोसेस सभी के लिए रहेगी, मैं कक्षा दसवीं सेट ए के लिए बता देता हूँ। जैसे ही मैं सेट ए पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए कक्षा दसवीं का आ चुका है, ठीक है, कक्षा दसवीं सेट ए पूरा लिखा हुआ है, अपन को कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, देखिए छेड़छाड़ नहीं करनी है कुछ भी, देखिए ये सेट ए का कक्षा दसवीं जो सेट ए का पेपर है वो डला हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर है, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। नीचे आते जाना है आपको, देखिए सबसे नीचे आपको पहुंच जाना है और सबसे नीचे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सफेद कलर का डाउनलोड का बटन दिखेगा, बस आपको इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है और लगातार 15 सेकंड तक वेट करना है। अब देखिए 15 सेकंड वेट करने से अच्छा है एक बार आप किसी भी एक ऐड पे क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे 15 सेकंड के पहले पहले आप किसी भी एक ऐड पे क्लिक करेंगे तो जो ये पीडीएफ की लिंक है वो एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाएगी और देखिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे सॉल्यूशन पर ले जाएगी। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन जो है अपनी ड्राइव पे ले गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी क्लास का कोई भी पेपर सॉल्यूशन के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।